हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश सक्सेना और ये है चिरकुट अंजलि और ये हमारी माता जी। ये चिरकुट है, ये माता जी हमारी बहुत ही चटोरी माता जी है। ये इनको हमेशा खाने के लिए चीजें चाहिए होती है। ये इनके मूंगफली, आइसक्रीम, चिप्स, ये बिल्कुल बच्ची बन जाती है। इसलिए इनका नाम है वीर बाला सक्सेना। ये वाकई में बहुत ही वीर है। जी हाँ, इनके साथ तुम बीच में मत आओ, हटो। हाँ, तो देखिए ये सास बहू जो है ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती मुझे रहती मेकअप का बहुत शौक है। अब मैं देखी, ये वीडियो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा जैसा कि मैं पहुंचा हूं। मैंने हमेशा अपनी माँ का कहना माना। हाँ, वो जो चाहती थी वैसे ही करा। मुझे कोई भी दिल में रिग्रेट नहीं है। वट एवर शी वॉन्ट आई डिड दैट एंड दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू माई मदर। मैं सभी लोगों से बोलूंगा ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर सफलता पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो अपनी माँ का जरूर ध्यान रखिए। जो वो कहें वही करिए। मैंने वही करा और आज जहां भी मैं पहुंचा हूं, जहां तक भी पहुंचा हूं, वो मेरी माँ का आशीर्वाद है। हेलो एवरीबॉडी, एंड आज का जो ब्लॉग है दैट इज डेडिकेटेड टू माई मदर। आज उनका बर्थडे भी है और आई एम मिसिंग हर अलॉट। एक शेर है जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा मुनव्वर राना जी का, कि बहुत रोते हैं मगर दामन नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मेरा ये व्लॉग बनाने का जो एक मकसद है वो ये है कि आई एम एक्चुअली मिसिंग माई मॉम। 3 फरवरी 2022 को सडनली, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं सडन डिमाइस, तो उनका एक सडन डिमाइस ही था। शी वॉज प्रिटी वेल बट सडनली इट हैपेंस। सो बड़ा सपोर्ट रहा उनका, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज इन प्लस टू, 12th किया था, और बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने हर चीज़ में, बिकॉज कुछ भी चीज़ थी नहीं। मैं पढ़ रहा था, सिस्टर पढ़ रही थी, एंड एक रेंटल मकान में हम लोग थे। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं मेरे, ये कोई वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि इसमें ज़्यादा व्यूज़ आएँ या आप ज़्यादा देखें। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो एक फीलिंग्स हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, तो अपनी माँ, अपने माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा तरजीह दें। आजकल इतना ज़्यादा भाग दौड़ में लग गई है न्यू जनरेशन, तो जितनी भी न्यू जनरेशन है उनसे मैं कहना चाहूँगा, गिव टाइम टू योर पेरेंट्स, गिव टाइम टू योर मदर। सर्टेन एक सर्वे हुआ था तो उसमें जितने भी 90 से प्लस लोग थे, उनकी लाइफ वो पूरी जी ली उन्होंने, तो उनकी एक छोटी क्लिपिंग्स है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने जितने भी न्यू जनरेशन है उनसे क्या रिक्वेस्ट करी है। मोबाइल वोबाइल भी बाद में देख सकते हो, गेम्स भी बाद में खेल सकते हो। अगर आप आज भी मेरा ये व्लॉग देखने के बाद भी अगर सिर्फ जाके अपनी मदर से बोल दो कि थैंक्स फॉर एवरीथिंग, एक टाइट हग, एक जादू की झप्पी दे दो, आप देखिएगा उनको कितना अच्छा लगेगा। अंजलि, यू वांट टू से समथिंग? यस ऑफ कोर्स। मेरी लिए तो वो माई जैसी थी और बहुत सपोर्टिव थी हर चीज में। एक बात को इनकी साइड नहीं लेती थी, मेरी लेती थी वो। और सुबह से बहुत याद आ रही है क्योंकि आज एक्चुअली आज सकट है और सकट तो उनका बर्थडे होता है, तो वो कहती थी कि उनको भी डेट नहीं पता थी। हाँ। तो जब भी सकट होता था तो जब जो भी सकट की डेट होती थी, क्योंकि सकट जो होता है वो इंडियन पंचांग के हिसाब से होता है समाओ, तो जब भी वो होता था तो हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। अंजलि यूज टू ब्रिंग कबीर, कुछ ना कुछ उनके लिए हमेशा लेके आती थी, कुछ ना कुछ वट एवर। और वो बड़ी स्पोर्टिंग भी थे, मैं उनके बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी जो हम वीडियो बनाते थे, चाहे वो अंजलि के साथ हो मेरे साथ। ये वाला वीडियो देखिए, यू विल लाइक दिस वीडियो। मैं तो यही कहना चाहूंगी वो जहां भी हो खुश रहे और हमें अपना आशीर्वाद देती रहे, और आज भी मैं उन्हें मिस करती हूँ। मैंने पूरी रामायण पढ़ के सुनाई, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो पूरे रामायण जब मैं पढ़ता था तो बैठ के वो सुनती थी। न आवा फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति फाही, मिले धनुजारी संग रमा सोई राजकुमारी। उनका बड़ा मन था, वो बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट भी करती थी, जैसा वीडियो भी आपने देखा जन्माष्टमी पे, बड़ा अच्छा एक वीडियो है जो कवर किया, वो भी आप देखिएगा। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। दिव्यांशी, यू वांट टू से समथिंग?
अम्मा थी वो मेरे साथ खेलती थी और मैं उनके साथ खेलती थी तो मैं बेईमानी करती थी बेईमानी करते थे वो गुस्सा जाती थी फिर तो खेलती नहीं गई बाद में नहीं खेलती थी उसके बाद फिर फिर थोड़े देर थोड़े टाइम बाद आ जाती थी बनाना पड़ता था उन्हें मनाना पड़ता था ये बहुत मिस करती है शी वॉज एक्चुअली द आयरन लेडी मेंटली बहुत स्ट्रांग थे और मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत सपोर्ट किया आफ्टर माई फादर और उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं यहां तक पहुंचा हूं और वो जहां पर भी हूं सुखी रहें मैं तो बस इतना कहूंगी कि जब आपके पेरेंट्स होते हैं तो आप वो वैल्यू नहीं कर पाते हो आई लॉस्ट माई मॉम मैं कॉलेज में था उस समय मॉर्निंग में ना उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं थी मैं कॉलेज में था और जब तक मैं कॉलेज से वापस आया मैं उनसे मिल नहीं पाया लाइफ का कुछ पता नहीं यू नेवर नो तो जो भी समय है बिकॉज हर दिन हमको एक नई जिंदगी मिलती है हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं लोग कहते हैं कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती हर रोज हमको जिंदगी मिलती है तो उस रोज की जिंदगी में जो अपने आसपास के लोग हैं स्पेशली आपके पेरेंट्स जो हैं समय दीजिए अपना राइट नहीं तो बाद में आप फिर रिग्रेट करते रह जाओगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर 10 मिनट भी बैठ के आप बात कर लोगे ना डेली तो दैट काउंट्स अ लॉट फॉर देम मेरी मदर ने जाने से एक दिन पहले मेरे लिए खाना बनाया था ये देखिए और मेरे को खिलाया था और नेक्स्ट डे 3rd February समवेयर अराउंड 12:30 or 1 आई लॉस्ट हर और मैं सारी बहुओं से सारी डॉटर इन लॉ से यही कहना चाहूंगी कि लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस होते हैं लेकिन बट होते हैं मेरे भी होते थे ऐसा हाँ बिल्कुल होते थे नॉर्मल है हम कोई इसे आर्टिकुलेट करके नहीं बता रहे हैं होते हैं हर जगह होते हैं हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े नहीं होते भाई बहन के नहीं होते लेकिन हम सास बहुओं की लड़ाई झगड़े को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ले लेते हैं कि नहीं ये तो हमारी लड़ाई हो गई ये ऐसा ये वैसा लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे भी होते थे और ऐसा नहीं है मतलब लेकिन हम दोनों ही या तो मुझे उनकी बात बुरी लगती थी तो मैं चुप हो जाती थी उनको लगती थी वो चुप हो जाती थी टॉकिंग टर्म्स इतने अच्छे थे कि इनसे नहीं होता था जो मुझे बातें पता रहती थी इतने के मतलब हर चीज जो होती थी कुछ लाना है कुछ है वो मुझसे कहती थी कि तू ले गया क्योंकि उन्हें पता था कि मतलब मैं उनके लिए करती हूँ एक दूसरे के लिए हार्ड फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल सर इतना कहना चाहूंगा मेरे जितने व्यूवर्स हैं बेस्ट रिवेंज इज नो रिवेंज जस्ट मूव ऑन किसी को घर मिला किसी के हिस्से में दुकान आई किसी को घर मिला किसी के हिस्से में दुकान आई मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई अपने माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करिए और जिस एज पर वो होते हैं ना उनको सिर्फ आपका समय चाहिए होता है बाकी कुछ नहीं चाहिए होता गिव टाइम टू योर रिलेटिव्स योर मदर योर फादर योर वाइफ योर किड्स एवरीबॉडी टाइम इज वेरी प्रीशियस तो मम्मी ने मारा भी था पता है मेरे को तो चप्पल से भी मारा था थप्पड़ से भी मारा था चप्पल फेंक के मारी थी एक बार लेकिन हमेशा मेरे भले के लिए अटैच विद माय मदर इन लॉ कि आज भी मतलब मुझे इतनी वो बार सपने में आती हैं और मेरे से ज्यादा इसके सपने में आती है मेरे भी बहुत आती हैं फिर मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स माँ बाप को हमेशा सलाम को भी बिठा के रखिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा अपने इस व्लॉग के जरिए अगर आप थैंक्स भी पे कर दें थैंक यू बोल दें कुछ नहीं बस गिव देम अ हग मदर को एक हग करिए थैंक यू मम्मी बस इतना ही कह दीजिएगा उनके लिए वो करोड़ रुपए से भी बहुत ज्यादा होगा Thank you everybody. Bye bye. Love your parents. Love your parents. Bye.